अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अलीम फ्रॉम स्किल्स अकेडमी। आज वीडियो में हम गूगल फ्रेशनेस एल्गोरिथम के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसके बारे में मैंने भी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया है और मेरी नज़र में इसका बहुत ही बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। टेन वी का फाउंडर है, उसने भी लिखा है कि अगर आप अपने कॉन्टेंट को अपडेट करते रहें तो आप हमेशा टॉप 10 में रह सकते हैं। और ये मैंने पर्सनली तौर पर भी टेस्ट किया। ये बेसिकली इस तरीके से काम करता है कि आप हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद 100-200 न्यू वर्ड्स ऐड कर देते हैं अपने कंटेंट में, या पुराने कंटेंट को रिमूव करके उसकी जगह न्यू ऐड कर देते हैं। उसके बाद आप उसकी डेट चेंज कर देते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे ये हमारी पोस्ट है साइट में आपकी, हम इसे ऐड करते हैं। तो हम यहाँ पे न्यू कंटेंट ऐड करके उसके बाद ये जो पब्लिश डेट है इसे चेंज कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आज 12 तारीख है और डेट जो है वो एक दिन पीछे रखनी होती है क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम जोन का मसला है। तो यहाँ पे 15 होगा, ओके अपडेट। तो गूगल अब इसे देखेगा, मतलब अगर हम बार बार अपना कंटेंट अपडेट करते रहें फिर डेट अपडेट करते रहें तो गूगल को यकीन हो जाता है कि ये जो वेबसाइट है ये अपने कंटेंट के बारे में और यूज़र्स के बारे में केयर करती है और इसी वजह से उसे अपडेट कर रही है। इस वजह से हमारी वो वेबसाइट को दूसरों के ऊपर रैंक करता है। तो उम्मीद है आपको इस फ्रेशनेस एल्गोरिथम की समझ आ गई होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया।